गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी आज देखने वाले हैं FI डाटा, OI डाटा किस तरीके से हम लोग देख के और फिर मार्केट एनालिसिस करेंगे। आप खुद ये एनालिसिस करना सीख जाएंगे और मार्केट एनालिसिस करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको किसी भी तरीके से ट्रेड लेने के लिए। सबसे पहले हम लोग FI डाटा चेक करते हैं। एक और चीज़ बता दूं आप सभी को, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था कि जैसे कि बैंक निफ्टी कुछ लेवल से के ऊपर निकलेगा तो आप लोग बाय कर सकते हो, 20 के रेट में बाय करो, 100 से पहले एग्जिट मत करना। तो वो सारा कंडीशन अप्लाई हुआ है, आप सभी जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको FI डाटा के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इस तरीके से कंटिन्यू नीचे की तरफ आया था, यहाँ पे सभी डाटा इंक्रीज हो गया, बट ये लेवल पे इक्वल है, मतलब कि जो 13 सितंबर का जो डाटा है वो बिल्कुल इक्वल है। पुट और कॉल के साइड, दोनों के साइड डाटा इक्वल है। इस लेवल पे यहाँ पे पुट ज़्यादा हो गया था जिस वजह से मार्केट में एक फॉल देखने को मिला था आपको, बट अब कल के 13 सितंबर के डाटा में दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको डाटा के साथ में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चेक कीजिए आप लोग, कॉल्स के साइड 3.61 लाख क्वांटिटी और पुट्स के साइड 3.65 लाख क्वांटिटी, मतलब दोनों इक्वल, मतलब मार्केट साइडवेज। इसके अकॉर्डिंग मतलब जो हमारे FIs हैं ये सभी अपने अपने पोजीशन को इक्वल रखे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ चेक करवाता हूँ, OI। OI देखने के बाद थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, किस तरफ ज़्यादा OI है, मतलब मार्केट किस दिशा में जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट करता हूँ और फिर नीचे आप लोगों को OI चेक करवाता हूँ। OI आप लोग देख लीजिए, कंपेयर टू 12 सितंबर एंड 13 सितंबर को हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जो 12 सितंबर को जो OI था वो कॉल के साइड ज़्यादा था, कॉल के साइड ज़्यादा, जिस वजह से मार्केट नीचे की तरफ फॉल हुआ था, नीचे की तरफ गिरा था। बट अगर 13 सितंबर को आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो पुट के साइड है, मतलब कॉल के साइड जो OI है वो तो है ही, मतलब इंक्रीजमेंट उसमें भी हुआ है, बट जो पुट के साइड हुआ है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसलिए आपको मार्केट सेकेंड हाफ में बढ़िया एक मूव करते हुए दिखा था, ठीक है। बढ़िया मूव करते हुए दिखा था आपको सेकेंड हाफ में, ये आपको सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे इसका पुट जो यहाँ पे ये कॉल राइटर हैं और फिर इसका ये कॉल राइटर हैं, देखो यहाँ पे भी इनकी क्वांटिटी में बढ़ोतरी हुई है। बट अगर पुट के साइड देखो, पुट का मतलब होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना, पुट राइटिंग, पुट को बेचना, जिसके मतलब मार्केट ऊपर लेके जाना। तो यहाँ पे ये पुट बेचा हुआ है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे देखो कितना ये पुट राइटिंग अधिक किया गया, जैसे कि मार्केट को ऊपर लेके जाए। दोनों चीज़ आप लोगों ने समझा, ठीक है। अब हम लोग चार्ट में चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन करते हैं, सीखते हैं वहाँ पे किस तरीके से किया जाए। तो मैं सबसे पहले आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ और ताकि थोड़ा सा कंफर्मेशन होगा। कल के दिन में मैंने एक जो मैं एनालिसिस बनाया था, वहाँ पर एक चीज़ मैंने बोला था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है किसी भी कंडीशन में या उस इस जोन के अंदर में यहाँ पे ओपनिंग होता है, तो आपको क्या करना है कि इसके बीच में ओपनिंग होने के बाद जब भी इस लेवल को ऊपर निकालेगा, और मैंने यहाँ पे ये चीज़ कहा था कि 12 बजे बाद निकाले तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि आप लोग 20 और 30 रुपए की रेट में कोई भी आप उठाओगे प्रीमियम, जिसे आप लोग 80 और 90 तक से पहले मत बेचना। सेम इस तरीके से काम किया, ठीक है। लेकिन ये 12 बजे ये मूव नहीं किया, ये 11 बजे ही निकल गया। बट एक चीज़ देखो, 11 बजे निकल तो गया लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये सस्टेन किया, और जैसे ही यहाँ पे सस्टेन किया आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया यहाँ पे बाय करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, ये 12:45 का कैंडल है, मतलब यहाँ पर 12:30 का, वही 12:30 बजे इस लेवल पर जब रेड कैंडल बना और इस यहीं पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला आपको बाय करने के लिए, इस तरीके से ये मूव किया। मैं आप सभी को बता दूँ, मैं इसी लेवल पर आपको ये पैटर्न अपडेट किया था टेलीग्राम चैनल में, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ब्लैक बुल्स ट्रेडर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहाँ पे जाके आप ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखोगे आप लोग, इस लेवल पे आप लोग देखो कि ये पैटर्न मैंने अपडेट किया था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे इस लेवल से, ये इस तरीके से पैटर्न मैंने अपडेट किया था चार्ट में वहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल में। तो वहाँ आप लोग देखिए इस पैटर्न के बाद क्या किया कि यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर यही क्वांटिटी ऐड हुआ, 31% का रिटर्न है, फिर 50% का रिटर्न है, 61% का रिटर्न है, मतलब बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये 3 कैंडल रेगुलर बना, इस लेवल पे आने के बाद एक रेजिस्टेंस था जहाँ पे उसको रुकना ज़रूरी भी है, रुकेगा नहीं तो मूव नहीं करेगा ढंग से, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से मूव किया, मैं आपको बताऊं डाटा, 45,400 से 45,690 तक एक बार मूव किया था, लेकिन अगर अभी तक देखोगे आप लोग तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट करने को देखने को मिला। कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो में ब्रेक करके वहाँ पे क्लोज नहीं किया है, तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा मूवमेंट किया और इसका हाई लगाया 45,999 का, बोले तो ये 46,000 तक का गया है, बट यहाँ पे कितना था 45,400 से ये ब्रेकआउट किया था, करीबन 500 से 600 पॉइंट मूव किया है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पे जो भी मुझे पैटर्न्स वगैरह दिखते हैं और उसमें हाई एक्यूरेसी लगता है तो मैं वहाँ अपडेट करता हूँ।
अब बात रही कि कल के लिए क्या कर सकते हैं, पहले मैं इसको एक दिन के चार्ट पे करता हूँ। और एक चीज़ और समझाता हूँ, वीडियो बड़ी है लेकिन समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये इस लेवल से क्यों ऊपर चला गया, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से ये इस लेवल से क्यों ऊपर चला गया समझने का ट्राई कीजिएगा। जब भी इस लेवल पर आया था ये रजिस्ट करके नीचे आया, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, और यहाँ से ये डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, फिर अगेन रिटेस्ट किया, अगेन ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, इसको सपोर्ट क्रिएट किया, फिर अगेन ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर इसका ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया। तो आप लोग देख रहे हो कि ये लेवल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि इस लेवल पे ये जरूरी नहीं कि ये रेड कैंडल बना है तो यहाँ पे बेरिश हो गया है, कि नेक्स्ट डे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखेगा। आप प्रीवियस वीडियो के देखिएगा एनालिसिस तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सपोर्ट क्रिएट किया और अगेन यहीं से ये बाइंग आ गया। अब आज के लिए क्या करना है आप लोगों को, इसके हाई पर आप लोग मार्क कर लीजिए, इसका हाई मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डे का हाई है ये, ठीक है, मतलब प्रीवियस डे का हाई। तो प्रीवियस डे के हाई पर आप लोग इस तरीके से मार्क करें, लो को मार्क कर लीजिए, लो की जरूरी है नहीं, मुझे कुछ लग नहीं रहा। और तीसरी चीज़, यहाँ पे क्लोजिंग पर मार्क कर लीजिए, इसका जहाँ पे क्लोजिंग है इस तरीके से यहाँ पे मार्क कीजिए। और फिर मैं इसको 15 मिनट में आपको लेके चलता हूँ, फिर समझाता हूँ क्यों। अगर मार्केट का हाई और क्लोजिंग बिल्कुल पास में है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है आपको किसी भी कंडीशन में इस लेवल के आसपास अगर फ्लैट ओपनिंग दिखता है तो यहाँ से अगेन बाइंग आएगा मार्केट में। मैं आपको बता दूं, अगर इस लेवल पे फ्लैट ओपनिंग होता है तो अगेन बाइंग आएगा, बट हाई पॉसिबिलिटी है मार्केट गैप अप खुलेगा अभी, तो वो उस कंडीशन में देखिएगा किस तरीके से जो प्राइस है बनता है उस तरीके से आप लोग ट्रेड कीजिएगा। तो जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो एक ही चीज़ समझाऊंगा मैं, यहीं से बाइंग आएगा, ये कंटिन्यू जा सकता है, ठीक है। और गैप डाउन खुलता है तो इसके लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर रहेगा तो मार्केट बुलिश ही रहेगा। अगेन यहाँ से हो सकता है तो सपोर्ट लेके क्रिएट करके ऊपर चला जाएगा, अगर बाई चांस नेगेटिव आता है तो, नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं, अगर इस लेवल पर आता है तो ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ अभी आपको ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया अपडेट आपको मिलता रहता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अगेन लव यू ऑल।